Hello students, how are you? Hope so you all are fine. Today we will discuss about worksheet number 10. आज बच्चों जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, कौन सी वर्कशीट है हमारी? वर्कशीट नंबर 10. क्लास हमारी 6th है, हमारे अतीत भाग 1st. सोशल साइंस की हम वर्कशीट कर रहे हैं. हमारी है 28 ऑफ अक्टूबर की हमारी वर्कशीट है. देखो 27 और 28 दोनों दिन हमारी लगातार SST की वर्कशीट है जो आई है. यहाँ पर विद्यार्थी का नेम और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नेम हम मेंशन करेंगे. आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक है अखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक. अब देखो ये अखेटक खाद्य संग्राहक क्या होते हैं. आज से 20 साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, मतलब वो किस प्रकार अपने भोजन की विधि, किस प्रकार अपना भोजन एकत्रित करते थे, उसके आधार पर हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं. देखो पहले आपको पता ही है आदि मानव कैसे रहता था जंगलों में. आदि मानव कैसे रहता था जंगलों में, मतलब उसके तन पर कपड़े नहीं होते थे, भोजन पकाकर नहीं खाता था. आंख का आविष्कार तो बाद में ही हुआ, ठीक है. तो वो जहां पर भी उसे खाने के लिए मिलता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगली जानवरों का शिकार करते हुए, मछलियां पकड़ना, चिड़िया पकड़ना, ऐसे फल मूल कंद मूल खाकर वो अपना गुजारा करता था, ठीक है. ये तो आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते थे, घूमते रहते थे, मछलियां चिड़िया पकड़ते, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे आदि इकट्ठा करते. ये लोग खाने और पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. इनका परमानेंट देखो घर नहीं होता था जंगलों में. घर तो होता है, परमानेंट नहीं होते थे कि एक स्थान पर बस गए बस वहीं पर रहने लगे, नहीं. जहां पर भी इन्हें खाने पीने को मिलता, शिकार मिलते तो वहीं पर ये अपना डेरा डाल लेते थे. अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. ऐसा करने के कई कारण थे. अब देखो इसमें कारण, चार कारण बताए हैं इन्होंने. एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के, देखो एक स्थान पर अगर वो रहती ज्यादा दिनों तक तो पौधे जो थे फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी. वो उनको खाते तो मतलब कमी तो पड़ ही जाती है, फिर जब एक जगह पर खत्म हो जाती तो वो दूसरी जगह पर चले जाते. इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था. दूसरा, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों को का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते हैं होंगे. तीसरा है, मौसमी फल और पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे. पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है. मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है, पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा. इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. तो आपको पता चला अखेटक, एक तो हमें यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन पुट हुए, अखेटक खाद्य संग्राहक क्यों पुकारते थे, मतलब उनको उनके भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे, ठीक है. अब उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के क्या कारण थे, ये हम इनमें से लिख देंगे. देखो हमें टू क्वेश्चन पूछे गए हमारी वर्कशीट में, अखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे. तो चार कारण बताए हैं, इनमें से आप कोई भी एक कारण लिख सकते हो. वैसे आप देखो तो यहाँ से भी इसका आंसर आप पुट कर सकते हो. आंसर क्वेश्चन वन का आंसर आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से. खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. ओके, कहां से लिखोगे आंसर, खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं. देखो आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं.
ठीक है, किस विधि के आधार पर भोजन का इंतजाम कैसे करते थे, वो कैसे करते थे आपको पता चला? घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, शिकार करके, मछलियां पकड़कर, चिड़िया ऐसे फल मूल जो थे, पानी पर डिपेंड करता कि कहाँ पानी था, ऐसे वो खाने पीने के आधार पर भी अपना क्या है जगह बदलते रहती थी। ये थी आज की जो आपकी बिल्कुल इजी सी वर्कशीट है, जो इजी सी वर्कशीट आई है। कारण आप यहाँ से अच्छे से लर्न कर लोगे कि इनके एक स्थान से दूसरी जगह पर घूमने रहने के क्या कारण थे, और आप आंसर लिखोगे यहाँ से। क्वेश्चन दोनों अपने जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट करके अपने ग्रुप में सेंड करें। अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो कमेंट भी जरूर लिखें अच्छे, ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है, आपको अच्छी वीडियो लगी है। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।